గుడ్ మార్నింగ్. 8 दिसंबर 2018 करंट अफेयर्स के साथ आज मैं आपका अंजीव सिंह और आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे और काफी यूजफुल भी होंगे. आइए सबसे पहले मैं 17 दिसंबर 2018 को पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूंगा. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हु इज द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम बताएं, राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं. तो आपका जवाब है अशोक, कांग्रेस विधायक दल के नेता अशोक गहलोत ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. और जो नए उप मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के बतौर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अब हम शुरू करते हैं आज के जीके का. सबसे पहला क्वेश्चन जीके है आपके लिए कि मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता. मिस यूनिवर्स और हमारे पास ऑप्शन है निहल चुडासमा भारत से, कैटरीना एलिसा ग्रे फिलीपींस से, टैमरिन ग्रीन साउथ अफ्रीका से और स्टेफनी गुटरेज वेनेजुएला से. इसका सही जवाब है कैटरीना एलिसा ग्रे फिलीपींस. भारत की निहल चुडासमा जो है इस विश्व सुंदरी में भी अपना स्थान नहीं बना पाई. ठीक है, आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना दूं, महत्वपूर्ण बातें बताऊं. फिलीपींस की 24 वर्षीय कैटरीना एलिसा ग्रे मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई है. 2017 के डेमी लेल नेल पीटर्स ने उन्हें ताज पहनाया जो पिछले साल की मिस यूनिवर्स थी, की गई थी इस बार बैंकॉक थाईलैंड में. ठीक है, और यहाँ पे टोटल 93 कैंडिडेट थे. प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए यह खिताब हासिल किया गया. वहीं भारतीय प्रतियोगी निहल चुडासमा टॉप 20 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी. फर्स्ट रनर अप मिस साउथ अफ्रीका टैमरिन ग्रीन, ये टैमरिन ग्रीन जो है ये साउथ अफ्रीका से ये रनर अप रही. और सेकंड रनर अप मिस वेनेजुएला स्टेफनी गुटरेज रही हैं. आपको ये बताया जाए, बताना जरूरी है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत के कैलिफोर्निया में हुई थी और उस समय फिनलैंड की आर्मी कुसेला विजेता बनी थी. ध्यान रहे कि अभी तक भारत से सिर्फ दो ही सुंदरियां जीत सकी हैं, वर्ष 1994 में 18 साल की उम्र में सुष्मिता सेन और वर्ष 2000 में 22 साल की उम्र में लारा दत्ता ने उपलब्धि हासिल की थी. 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. ऑप्शन आपके पास भैरव सिंह शेखावत, अरुण गोस्वामी, भूपेश बघेल और विवेक मलिक. इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है भूपेश बघेल. भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. भूपेश बघेल को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पाटन तहसील में हुआ था. पहली बार 1993 में विधायक बने थे. ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मतलब विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा चुनाव था और इससे पहले के 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करके पिछले 15 वर्षों से सत्ता में थी. लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई और कांग्रेस ने भारी बहुमतों के साथ 90 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस ने कुल 68 सीटों के साथ सत्ता हासिल की. भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 15 सीटों पर रह गई और 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे गठबंधन को मिली. 3 दिसंबर 2018 के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से उठे किस तूफान के आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से टकराने पर तटीय जिलों पर भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा. तो मैं बताऊं कि उस तूफान का नाम जो है वो है फेथई. कौन सा तूफान है? वो है फेथई. चौथा आपके पास जीके है, करंट अफेयर्स है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नगर राज्य में स्थित अक्षयवट के बारे में कहा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्षयवट के भी दर्शन कर सकेंगे. और इसका सही जवाब है अभी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में जाके जहाँ कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है वहाँ पे जाकर उन्होंने उद्घाटन किया था. उन्होंने ये कहा कि इस बार सभी श्रद्धालु अक्षयवट के दर्शन कर सकेंगे. और कई पीढ़ियों से अक्षयवट की जो था वो किले में बंद था जिसे शुरू करवा दिया गया है. इस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता. ऑप्शन है ज्वाला गुट्टा, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु. और इसका सही जवाब है पीवी सिंधु. मैं आपको बताऊं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया और उन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.
सिंधु यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। टूर्नामेंट में उन्होंने गजब की लय दिखाते हुए वर्ल्ड नंबर 1 चीनी ताइपे की ताई जूइंग, वर्ल्ड नंबर 2 जापान की अकाने यामागुची, वर्ल्ड नंबर 5 जापान की नोजोमी ओकुहारा और वर्ल्ड नंबर 8 थाईलैंड की रत्चा नेक इंतानोन को हराया। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सिंधु को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। इसने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर पहली बार विश्व हॉकी कप 2018 का खिताब जीता। विश्व हॉकी कप 2018 नीदरलैंड्स को हरा के, मतलब फाइनल में, और इसका जो सही जवाब है वो है बेल्जियम। बेल्जियम ने नीदरलैंड्स को ओडिशा, एक्चुअली यह जो मैच था वो भारत में खेला जा रहा था और ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल खेला गया, जिस फाइनल में बेल्जियम ने शूटआउट में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर हॉकी विश्व कप में, कितने से, 3-2 से, 2018 का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। आपको यह जानना चाहिए कि बेल्जियम की जो हॉकी टीम है विश्व चैंपियन पहली बार बनी है और नीदरलैंड की हॉकी टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो हॉकी टीम है उनको कांस्य पदक मिला है। इस विश्व कप में पहली बार बेल्जियम की टीम फाइनल में पहुंची थी, यह पहली बार थी जब बेल्जियम की टीम फाइनल में पहुंची थी। उनका सामना 3 बार के विश्व चैंपियन रह चुके नीदरलैंड के साथ हो रहा था। बेल्जियम की टीम ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था। विश्व कप हॉकी की शुरुआत, विश्व कप हॉकी की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी, ठीक है, और अभी तक पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 4 बार इस खिताब पे कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स ने 3-3 और जर्मनी के 2-2 विश्व कप, 2-2 बार विश्व कप पे कब्जा किया। भारत ने वर्ष 1975 में विश्व कप पर कब्जा किया था। भारत में तीसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। इससे पहले वर्ष 1982 और वर्ष 2010 में भारत हॉकी विश्व कप का आयोजन कर चुका है। पाकिस्तान, चीन और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? पाकिस्तान, चीन और तीसरा देश कौन है? तो तीसरा देश जो है वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ मिलके इन्होंने आतंकवाद के लिए समझौता किया है, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस हस्ताक्षर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में की गई, जहाँ दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता हुआ और इस दौरान राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान से हैं, चीनी विदेशी मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी समकक्ष शाह कुरैशी मौजूद रहे और इनके बीच में समझौता हुआ है कि आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे की सहयोग करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कितनी बार सांसद रह चुके कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मंच पर मंत्रोच्चार के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। अब सभी को पता है कि 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ कांग्रेस की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में और कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो अभी तक वो कितनी बार सांसद रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 9 बार। कितनी बार रह चुके हैं? 9 बार। कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और 9 बार के सांसद रह चुके हैं। आपको जानना चाहिए कि कमलनाथ कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए थे। 17 दिसंबर 2018 को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में राज्यपाल आनंदीबेन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंग्रेजी के प्रतिष्ठित किस साहित्यकार को वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? और इसका सही जवाब जो है वो है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो अंग्रेजी के सबसे पहले लेखक हैं अमिताभ घोष, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इसको। और भी बताऊं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वांग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आपको जानना चाहिए कि यह पुरस्कार 1965 से शुरू की गई थी और उस समय सिर्फ 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई थी। बाद में 2005 में इसमें अपडेशन हो गया और 7 लाख की पुरस्कार राशि कर दी गई, लेकिन वर्तमान में यह राशि बढ़कर 11 लाख हो चुकी है। केंद्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जन्मतिथि पर 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? तो केंद्र सरकार 95वीं जन्मतिथि की बात है और इसका सही जवाब जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल वाजपेयी की 95वीं जन्मतिथि पर भारत सरकार उनका स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा कर सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के भारतीय नोट बैन कर दिए हैं?
ठीक है, कल के एपिसोड में 19 दिसंबर में मैं आपका इसका जवाब दूंगा। तब तक आप इसका जवाब कमेंट करें और हमें बताएं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।